चालान कटा है तो अच्छा हाँ शॉर्ट भी डालता हूँ लॉन्ग भी डालता हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज योर डीएनए राइडर। सो गाइस ये खड़ी हो रही है अपनी केडीएम ड्यूक 390 एंड इसमें लगा है सबसे मतलब क्या बताऊँ सबसे ज़्यादा लाउडेस्ट एससी प्रोजेक्ट, वो भी टाइटेनियम की फिनिशिंग में। आप देख सकते हो यहाँ पर फिनिशिंग दे रही है, ऐसा लग रहा है कि कलर चेंज हो रहा है, ओरिजिनल एग्जॉस्ट लग रहा है सुपर बाइक के जैसा। तो आज आपको इसकी आवाज़ एंड देखने वाले कि हम डबलिंग के साथ मतलब मैं कैसे चलाता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं कि तो डबलिंग के साथ कैसे चलाते हैं वगैरह शॉर्ट हाइड राइडर का, तो आज आप लोगों को मिक्स कंटेंट देखने को मिलने वाला है। बाद में मौसम बहुत सही हो रहा है आज का एंड हमें जाना है अभी एयरपोर्ट, क्योंकि हमारे कार का जो होता है ना टैक्स लगा होता है, कार का टोल टैक्स जाना है एंड टोल टैक्स में कार का वो कार्ड बनाना है, क्योंकि हमारी कार डेली अप डाउन करती है तो उसके यहाँ पर टैग लगा होता है यार कांच में, तो वहाँ से वो कट जाए। तो अभी जिन लोगों को पता हो उन लोगों को पता, मेरे को भी नहीं पता, मैं कार नहीं चलाता। तो अभी चलने वाले हम एंड सुबह को भी मैंने कॉल करके बोल दिया है, तो हम निकलने वाले हैं। बस अभी कोल्ड स्टार्ट हो गई, लो कोल्ड स्टार्ट बोलते साथ हो गई है, तो चलो चला जाए। सो गाइस हम निकल चुके हैं घर से एंड अभी तो पहले सबसे पहले तेल ही डलाना है। वैसे है तो टैंक अभी हाफ टैंक है गाड़ी पे, बट फिर भी डला देंगे 100 रुपये का, क्योंकि 10-20 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है एंड 10-20 100 रुपये के तेल में ज़्यादा ज़्यादा 20 किलोमीटर ही चलती है, यू नो द ड्रिल। ड्यूक पीती कितना ज़्यादा है तेल कुछ और मत समझ जाना। तो चलने वाले हैं फिलहाल अभी हम एंड देखते क्या सीन बनता है आज। होप सो रिएक्शन भी अच्छी खासी मिलेगी, क्योंकि एग्जॉस्ट तो बहुत अच्छा है एंड अभी तो गर्म हो रही है, तो पटाखे सुनना आप लोग, ये आवाज़ सुनो, आवाज़ सुन रहे हो पटाखे की, बैकवर्ड डाउन शिफ्टर में पहले गियर में आया हूँ अभी, और जैसे पटाखे अभी जैसे और गर्म होगी ना धीरे धीरे तो आवाज़ और ज़्यादा सही आएगी एंड दूर से कुत्ते मुझे देखने लग गए, बोले कब आएगा शिकारा कब भव भव भव। देखो सावन आए रे मन हंसाए में दवा और सारी उम्र ना गवा दे। सो गाइस फाइनली वी आर इन द जोगी वाला एंड सुबह भी आ चुका, हाई कर दे पानी, दिख रहा कि नहीं दिख रहा, मैं इससे ज्यादा मुंडी घुमा नहीं पाता कैमरे में मतलब हेलमेट में। हाँ गप्पे चल रही है, तू कहाँ उड़ रहा है ये उड़ गया था गाइस अभी भाई में सीन ऐसा है ना, अभी हमें जाना है कार का टैक्स डाल, जैसे मैंने आप लोगों को पहले टैक्स बोल रहा हूँ यार, मैंने क्या बोलते हैं उसको टोल टैक्स को, हाँ टोल टैक्स टैक्स ही बोलते हैं, तो उधर जाना है एंड कार का रेन्यू भी कराना है उस कार्ड को। तो बाकी अभी यहाँ का जाम लगा हुआ है जोगी वाला में एंड आगे कैमरे भी है, तो मैं चाहता नहीं कि हम 150 खींचे और चलान कटे। भाई अंकल गलत चला रहे हो, बिन देखे मोड़ रहे हो, शीशे का इस्तेमाल करो, लगा रखे ना जो कार में इस्तेमाल करो, दे दो निकाल दो यूजलेस। तो बहुत मजा आ रहा है लूसीफर को, आवाज़ सुनो आप लोग कैसी आवाज़ आ रही है गाड़ी की ना। अब आगे ना यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे तो वो ढलान पे ही है, तो यहीं का ये पापा ने दिखाया था मेरे को गाइस, इसलिए थोड़ा धीरे ही चलेगा 50-60 की स्पीड में, ज़्यादा तेज नहीं, और ऊपर से नहीं लोगों ने बम बना रखी है ये देख लो, अगर यहाँ हाई स्पीड में 100-200 बोल रहा 100 या 110 की स्पीड में चलोगे ना आगे कांपता है यहाँ पर एंड आगे का, अल्टीमेट रिएक्शन मिलते हुए आई होप सो। रिकॉर्डिंग अच्छी कर रहा है कैमरा 60 की स्पीड में, हाँ ये रहा कैमरे स्पीड कम हो जाए, ड्यू की स्पीड कम हो जाए 50-40 वैसे तो ये हम 60 की स्पीड में, तो यहीं पर मेरे पापा का चलान भी कटा था, पापा का तो कार में कट गया था 80-90 की स्पीड में थे एंड 5000 का चलान कटा है, तो कार वालों का तो ज़्यादा ही कटता है खैर, बट फिर भी नॉट स्पीडिंग इन हेयर मैन। जाम देख रहे हो कितना जाम है यहाँ पर, मेन हाईवे है ये देहरादून का हाईवे, इतना छोटा हाईवे कि जाम पूछो मत, कार ने इंडिकेटर क्यों खोल रखा मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, सीधी रोड है कहाँ जाएगा भाई, क्यों बंद कर ले इंडिकेटर, इंडिकेटर देर का जाम उधर रहा है वाह। क्योंकि हाईवे में कुछ लोग करते ना कि जैसे उधर रो में आने के लिए भी इंडिकेटर देते, बट इसी रो में तो इंडिकेटर क्यों दे रखा,
ऐसे में ना बहुत बड़ी कंफ्यूजिंग होती है, इसलिए मत किया करो ये सब। सो गाइस वहाँ से हम निकल चुके हैं। अगर अभी मैंने ओ भाई इसलिए किया कि उसका पिकअप बहुत तगड़ा था अभी, एंड बहुत गर्मी, एक घंटा खड़ा होना पड़ा धूप में, तब जाके रिलैक्स फील हुआ और अब जाके अच्छा लग रहा है। ट्यूब में हवा लग रही है अब, और यहाँ जाम पता नहीं क्यों लग रहा था, यहाँ पर भंडारा है तब लगता है इधर शायद। तो गाइस पहुँच चुके हैं हम डोबा से बोल रहा हूँ चौकी वाला, ऑब्वियसली यहाँ जाम लगा हुआ, अबे निकालना होने पर जाएगा भाई। तो हमें यहाँ से जाना है राइट, पीछे देख पीछे, एंड दोनों लड़कियां मुड़ गई है, बन गई मीम कैमरा ऑन था। तो फाइनली गाइस हमने अपना काम करा लिया, एंड मुझे पता है मैंने वहां पर कुछ ज्यादा व्लॉग नहीं किया, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा आगे आ गया, एंड अभी घर नहीं जा रहे, तो अभी हम जा रहे थोड़ा पार्क की तरफ ताकि इंजॉय कर सके, एंड थोड़ा सा चिली एरिया में जाएगा यार, ठंडा भी हो, क्योंकि आज मुझे गर्मी गर्मी फील हो रही है, क्योंकि हम लोग एक डेढ़ घंटा खड़े रहे, सुबह को मैंने उसके घर छोड़ दिया, एंड अभी हम जा रहे क्या बोलते हैं अपना पार्क की तरफ, ताकि थोड़ा ठंडा लगे, मतलब स्टेडियम भी जा सकते हैं, बट स्टेडियम फिर वहाँ पर कुछ छाया छुआ होती नहीं, धूप बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो उधर सोचा कि पार्क चलते हैं, बट यहाँ आराम से चलना पड़ेगा, कुत्ते बहुत होते हैं यार, इसलिए आराम से चले गए। अब ये कुत्ता मेरी पीछे पड़ गया था, ऑलमोस्ट बच गया, बस लात मारी मैंने मुंह पे उसके भाग गया। अरे बंद हो गई, फर्स्ट गियर यार, फर्स्ट गियर डालना पड़ता है, मैंने सेकंड में चला रहा था ना, तब बंद हुई। क्या यार, इसका ना हाई कंप्रेशन से इंजन है ना अपनी ड्यूब का, तब ये बंद हो जाती है। अब देखो अभी सेकंड में झटके मारने लगती, मुझे फर्स्ट में चलाना चाहिए, अब जैसे भी इसकी स्पीड के ऊपर आई तब सेकंड गियर अच्छे से काम करता है। कभी कभी भूल जाता हूँ मैं ड्यूक चला रहा, क्योंकि आरसी तो तीसरे गियर में भी 10 की स्पीड में चल जाती थी मेरी आरसी 200, बड़ी है पहले गियर में लग 10 से तो ऊपर ही ना चाहिए, 10 की स्पीड से ऊपर, 10-15 की स्पीड से तभी पहला दूसरा गियर पड़ता है, वरना तो पहला गियर में ही चलानी पड़ती है। एंड यहाँ ना कुत्ते बहुत है, देखो ये कुत्ता वहाँ रहा, यहाँ 10-15 कुत्ते घूमते हैं आराम से, तो अब हम फील करते हैं पीछे कुत्ते होते हैं पर यहाँ कुत्ते नहीं होते, तो मज़ा आने वाली है। एंड मेरे दोस्त का घर भी यहीं पर है हर्ष का, अगर मैंने बुला दिया तो छोड़ो यार रहने दो, कहीं इसकी मम्मी ना हो, ब्लॉग देखेगा बोलेगा साले मेरे घर आया बुलाया नहीं। अरे नहीं, क्या पावर है आलू से फिर में। बाय द वे थैंक यू सो मच 19,000 के लिए, मैंने शायद पहले भी बोल दिया बट फिर भी थैंक यू सो मच, देखो गड्ढे कितने बड़े बड़े हैं, सरकार का कुछ नहीं हो सकता कभी जिंदगी में। बाकी आज जल्दी से 1,00,000 करा दो, बड़े मज़े आ जाएंगे, सुपर बाइक ले लेगा आपका भाई फटाफट, अगर 1,00,000 हुए जिस दिन मैंने सुपर बाइक गारंटी पक्का ले लेनी है। बाकी किस तरफ चलेगी अपना ना लोकल ये घूमना, मैं तो वो थोड़ा ऊपर ही चल लेते हैं। पलट पलट के सब देख रहे हैं, एनएस वाला भी देख रहा है कौन गया। अबे 390 है रे, और कोई सुपर बिजली पड़ गई थी अभी हल्का, तो वो ब्रेकर आया फट उड़ गई थी अभी, हैंडल ऐसा काम किया था। ओ भाई ब्रेकर यार, ब्रेकर बोल रहा गड्ढे यार भाई, इन रोडों पर ना मैं पहली बार लेके आ रहा हूँ, मैं स्कूटी और पैदल पैदल तो आता रहता हूँ मैं, पर बाइक लेके पहली बार आ रहा हूँ इस रोड पे मैं, क्या भाग रही लूसी तू। और थोड़ा रोड की ना कंडीशन नॉट एज वेल, मेरा नाम शिखर है, हाँ मेरा DNA राइडर है, DNA राइडर, हाँ मेरे 20,000 होने वाले, 19,000 अभी। मेरा भी चैनल है एक्चुअली, अच्छा एमबीडी का नाम का है, अच्छा अच्छा उसका ना गेम्स की वीडियो आती है, अच्छा मैंने आपको भी देखा है उसके अंदर, आप शॉर्ट भी डालते हो। हाँ शॉर्ट भी डालता हूँ, लॉन्ग भी डालता हूँ, आप इंस्टाग्राम में भी हो एक्चुअली। हाँ मैंने आपको देखा है एक बार, हाँ तो एक बार मैं सिर्फ वो साथ, हाँ कोई नहीं कर दिया, आपने चैनल का नाम बोल दो सब्सक्राइब कर देंगे लोग। एमबीजी काका,
सो गाइज इनके चैनल को सब्सक्राइब कर देना आप लोग, एंड मेक श्योर पूरे अपने क्या बोलते हैं देहरादून में भी जरा फिल्म लड़ाओ जैसे जम्मू लोगों में फैला रहे हो आप लोग। तो अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू सो मच यार। सो गाइज सब्सक्राइब नहीं, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि लड़कियाँ भी हमारी वीडियो देखती। चलो।